दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली ऑनलाइन बस पास सुविधा शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सुविधा की शुरुआत करते हुए कहा कि इससे कोरोना वायरस महामारी के दौरान बस डिपो पर लंबी कतारें नहीं लगेंगी। परिवहन विभाग ने एक बयान में कहा है कि इस सेवा के तहत सभी प्रकार के सामान्य पास की बुकिंग कराकर उन्हें तत्काल डाउनलोड किया जा सकता है। रियायती पास अगले कार्य दिवसों के अंदर पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेज दिए जाएंगे। गहलोत ने कहा, इस सेवा का पहला उपयोगकर्ता होने के नाते मैं दिल्ली वासियों को आश्वस्त करता हूं कि ये उस स्मार्ट नकदी रहित और संपर्क रहित परिवहन क्रांति की दिशा में अगला बड़ा कदम है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में चल रही है। डीटीसी के बयान में कहा गया है कि ये 24 घंटे सातों दिन चलने वाली ऑनलाइन सेवा है। सामान्य बस पास आवेदन जमा करने के तुरंत बाद डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। वहीं रियायती पास सत्यापन के बाद आवेदक के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर अगले वर्किंग डेज के अंतर ही भेज दिया जाएगा। ऑनलाइन बस पास के लिए ऐसे करें अप्लाई। ऑनलाइन बस पास के लिए आपको www.dtcpass.delhi.gov.in वेबसाइट पर कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को अपने क्रेडेंशियल जैसे नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि को भरना होगा और पोर्टल पर फोटो भी अपलोड करनी होगी। पेमेंट डिजिटल माध्यमों जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और सामान्य ऐप के माध्यम से भी किया जा सकता है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।